अगर आप ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे तो आपको जलील होना पड़ेगा। तो मैं अपनी इस नौकरी के दौरान ना कभी जलील हुआ, ना किसी अफसर ने मेरे को टोकने की हिम्मत की। आईजी साहब की कोठी पर गलत काम करोगे क्या तुम? मेरा डीजी साहब की कोठी पर मैं बैठा दूं गाड़ी किसी की? नहीं अंकल जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं। अरे आईजी की कोठी पर वो ड्यूटी कर रहा था, उसकी बेइज्जती कराओगे? अब ये कह रहे हैं अभी चलान, ये कह रहे हैं तो फिर पैसे अर्से जमा कर लेते, थोड़े अर्से जमा कर, हमने जरूरत है पैसे की। सपारसी अफसरों को बदनाम करते हैं, अपने ऊपर एक घमंड है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो पता नहीं कैसे आदमी है, ना मरने से डरते ना मारने से डरते। जिंदर जी आज भी आप जवान लगते हो, लगता तो नहीं कि आज आपकी रिटायरमेंट है। ये तो देखो मेरे एसपी साहब भी कह रहे थे यार, लगता तो नहीं कि भाई आप रिटायरमेंट हुए हो, अभी भी आपके मूंछों में पूरा ताव। ये तो देखो शुरू से ही मेरा अपना शौक था, एक वर्दीधारी को मूंछ जो शोभा देती है ना, वो शायद आम आदमी को नहीं देती। सर आपने सोचा इतना सर फट जाएगा आपका? ना ना मैं, आपने सोचा सोच अच्छी है नहीं आपकी? चाहे कोई ऑफिसर का लड़का हो, लेकिन आप उसको बख्शते नहीं थे। भाई ये आपको पता है क्या लिख रहे हो? क्यों नंबर नहीं इसका, नंबर कहाँ पे भैया? नंबर क्या पता है? मुझे नहीं पता, आप बता दो मुझे। मेरी गाने की शूटिंग है जी, इस चक्कर में लिखवाया नहीं जी। कौन से गाने की शूटिंग है भाई? घर से आदमी जाता है, लोगों की गालियां खाना मेरा काम नहीं है। करनाल शहर में प्रख्यात चालान मैन को आपने जरूर सुना होगा। अमूमन जब भी आप चौक चौराहों पर जाते हैं तो आपको एक शक्ल दिखती है जो आपको शिक्षा देने का काम करते हैं, भले ही हेलमेट की बात करें या फिर दस्तावेज की बात करें, वो आपको रोकने का काम करते हैं। चाहे आप नेता के बेटे हों, चाहे आप बड़े ऑफिसर के बेटे हों, आप बचकर नहीं जा सकते। और आज उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, सिर पर पगड़ी है, मालाओं और नोटों से आज उनका स्वागत किया गया है। तो सीधी इनसे बात कर लेते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर देखा गया आपको हर गली हर चौराहे पर आप मौजूद होते थे, चाहे बारिश का दिन हो चाहे कड़कती धूप हो, लेकिन आपकी नौकरी पर एक दिन का भी अवकाश नहीं रहता था। देखिए छुट्टियां तो इस डिपार्टमेंट में बहुत ही कम होती हैं, लेकिन मेरा जो काम करने का मोटिव रहता था कि काम तो करना ही है, ताकि कोई अफसर या कोई साथी कर्मचारी मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके, तो इसके प्रति मैं बड़ा चौकस रहता था। और आज तक मैंने कभी अपनी 38 साल की नौकरी के दौरान ना ही कोई गैरहाजिरी है और ना ही कभी 2 मिनट की देरी है। कभी भी ड्यूटी में लापरवाही ना बरतें, अगर आप ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे तो आपको जलील होना पड़ेगा। तो मैं अपनी इस नौकरी के दौरान ना कभी जलील हुआ, ना किसी अफसर ने मेरे को टोकने की हिम्मत की और ना ही किसी अफसर ने मेरे से कोई गलत करने के लिए कहा। चाहे कोई ऑफिसर का लड़का हो, लेकिन आप उसको बख्शते नहीं थे, आप कहते थे भैया देखो चलान तो होगा आपका। देखिए ये तो थोड़ा कार्य करने का तरीका होता है, डरने का तो कारण ये होता है कि भाई हम किसी चीज़ में अगर कोई गलत कार्य करें, 10 रुपये का लालच करें या कोई और दूसरा कार्य करें, तो फिर हमें नीचा देखना पड़ता है और डरना भी पड़ता है। जब आप निष्पक्ष कोई काम करोगे तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं, ये आदमी के खून में ही होता है। अगर हमें किसी प्रकार का लालच होगा तो हमें नीचा अवश्य देखना पड़ेगा। कितने समय की आपकी नौकरी थी? मेरी नौकरी सर 37 साल 8 महीने, इनके 38.5 साल पूरी ने नौकरी की है और आज सुरक्षित में रिटायरमेंट होकर अपने घर पहुंचे। वैसे तो पुलिस वाले जो देखा जाता है कि हर वक्त चुनौतियां उनकी जेब में भरी होती हैं, कोई आपका ऐसा दिन जिस दिन आपको डर लगा हो? देखिए डर तो उस आदमी को लगता है, मैं पहले बता चुका हूं कि भाई अगर कोई गलत कार्य करेगा तो वो डरेगा, कोई ड्यूटी चोर होगा वो डरेगा। ना मैं ड्यूटी चोर था और ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी के दौरान कोई गलत कार्य किया, तो उसमें फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ड्यूटी करनी है तो कोई अफसर भी नहीं रोक सकता हमें, कोई कर्मचारी भी नहीं टोक सकता हमें। अगर ड्यूटी के प्रति हम सजग हैं तो हमें अपने ऊपर एक घमंड है कि भाई हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिंदर जी आज भी आप जवान लगते हो, लगता तो नहीं कि आज आपकी रिटायरमेंट है? ये तो देखो मेरे एसपी साहब भी कह रहे थे यार, लगता तो नहीं कि भाई आप रिटायरमेंट हुए हो, अभी भी आपके मूंछों में पूरा ताव। ये तो देखो शुरू से ही मेरा अपना शौक था, एक वर्दीधारी को मूंछ जो शोभा देती है ना, वो शायद आम आदमी को नहीं देती। देखिए दोस्तों ये करनाल के ऐसे ऑफिसर हैं जो डरते नहीं थे, बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी नौकरी निभाई और काफ़ी वीडियो हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से चाहे बड़ा ऑफिसर हो उसका बेटा हो,
डरते नहीं थे, कहते थे कि भैया अगर गलती है तो चलान आपको देना पड़ेगा, और ये काम उन्होंने किया, बखूबी किया। राजेंद्र जी अब क्या करने वाले हो, अभी तो आप जवान लगते हो। नहीं अभी भी थाली तो मैं नहीं बैठूंगा, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, बड़ा बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है, उसका अपना अलग से ऑफिस है। अच्छा, बेटे के पास तो मेरा वारा निकाह है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ काम है, मैं इतना पढ़े लिखे नहीं हूँ। हाँ, ट्रांसपोर्ट को मैं वैसे संभाल लूंगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि आप राजनीति में भी उतर सकते हैं। ना जी ना, राजनीति में मैं बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा। अगर कोई मेरे को बिल्कुल निरो दे, अगर कोई ये कहे मैं विधायक या MC या कुछ भी, घर से आदमी जाता है लोगों की गालियां खाना मेरा काम नहीं है। तो राजनीति से दूर हटेंगे भाई। जो लोग ये बोलते थे कि राजेंद्र जी अब राजनीति में जा सकते हैं क्योंकि चेहरा ऐसा है, दबंगई हैं और कहीं ना कहीं किसी से डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, तो राजनीति में तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि राजनीति में तो नहीं उतरेंगे। अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम संभालेंगे, बच्चे हैं इनके, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इनके ब्रदर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ब्रदर हैं जी आप, इनके क्या नाम सर आपका? जसवीर पन्नू। कैसा लग रहा है सर आज? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है, बड़ा दिन है हमारे लिए, पूरा अपनी अपना पन्नू परिवार हमारा गौरवान्वित है आज। क्या आपको मालूम है कि इनकी वीडियो मिलियन में जाती थी? बिल्कुल, मैं इसके लिए, इनकी कार्यशैली तो है ही, मैं इसके लिए आप लोगों का भी, सोशल मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये केवल खौफ पैदा करने की बात नहीं है, लेकिन ये एक जो मुहिम चलती है, जागरूक करते हो आप लोग जो ट्रैफिक के बारे में, जो भाई साहब एज ए मतलब रूलर इन्होंने नहीं स्टिक घुमाई, एज ए मेंटर ज़्यादा इन्होंने काम किया है, ये देख के हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। कि कई लोग परेशान होते हैं जब चलान देते हैं, कई लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या पुलिस वालों ने हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन एक बात और भी सामने निकल कर आती है, कई लोगों की जानें भी बची होंगी जिनको हेलमेट देने का काम किया। बिल्कुल, पता क्या होता है, हर मुहिम के पीछे आपके इफेंट बट्स तो रहते हैं, ठीक है, तो ये एक जो इन्होंने मुहिम चलाई थी, आप लोगों को शायद करनाल से इनके बारे में पता है, मैं आपको याद करा दूं, एक बार असंध में SP साहब होते थे, पुराने में नाम ध्यान नहीं है, वो असंध से गुजर रहे थे और वहाँ के कंजेशन को देखते हुए उन जब ये ASI ही प्रमोट हुए थे, इनको स्पेशली असंध के लिए डिप्यूट किया गया था पहले कि असंध को कंजेशन किया जाए, और वहाँ से फिर इन्होंने ट्रैफिक का जो संभाला, करनाल में आए उसके बाद फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा इनकी टीम का भी रहा, नो डाउट, और परिवार तो हमेशा इनके साथ रहा है, बड़े भाई हैं, आप मूछों की बात कर रहे थे, इस इन मूछों के पीछे पूरा पूर्ण परिवार खड़ा हुआ है, हर चीज़ पे हम इनके साथ रहते हैं। और आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई? जी छोटा हूँ। आप छोटे हैं? जी छोटा हूँ। आप छोटे हैं? हाँ जी। देखिए छोटे भाई हैं लगते नहीं है भाई साहब, देख लो, ये छोटे लगते हैं और ये बड़े लगते हैं, तो ये तो फायदा, देखो ये तो दिख रहा है जी, आप छोटे लगते हो जी। राजेंद्र जी गर्व फील हो रहा है जी, आपकी भरजाई भी इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस से, बता दीजिए मैडम। हमने भी 37 साल कर रखी है, मैं चंडीगढ़ पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज चालान मैन जो कि दबंगई से अपना काम करते थे, किसी से डरते नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात, आज उनकी रिटायरमेंट हुई है। अपडेट